नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। खबरों का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बेहद एक्टिव मोड में आ चुकी भारतीय जनता पार्टी की चाल को गति प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह एक दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मेरा परिवार भाजपा परिवार सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को आक्रामक अंदाज में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब देश वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की चपेट में थी तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी कहां थे। जब यूपी में भीषण बाढ़ का कहर बरपा तो सपा अध्यक्ष घर में छुपे हुए थे। चुनाव नजदीक आया तो इनके कार्यकर्ता सड़कों और गलियों में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जब राज्य में लोग संकट में थे तो कार्यकर्ता तो छोड़िए, इनके नेता भी गायब थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इन लोगों को सिर्फ वोट से मतलब है, प्रदेश और देश की समस्या से ये कोसों दूर हैं। मोदी जी विदेश में है, उन तक आवाज जानी चाहिए कि आज अवध में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। यूपी में फिर से 300 पार का संकल्प का मुट्ठी बिंचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत सालों से उत्तर प्रदेश को ये एहसास नहीं होता था, मुगलों का शासन गया तब से, जब तक 2017 में भाजपा की सरकार बनी, ये एहसास नहीं हुआ कि बाबा विश्वनाथ भगवान श्री कृष्ण और अयोध्या में रामलल्ला की भूमि है। ये एहसास होना तब शुरू हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को अपनी पहचान वापस दिलाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को देश का सबसे प्रमुख राज्य बनने की दिशा में बहुत आगे ले जाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ये सिद्ध किया है कि सरकारें जो बनती है वो परिवार के लिए नहीं होती है, सरकारें सूबे के सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए। यूपी एक बार जिता लो, 24 में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मित्रों, आज मैं अवध प्रदेश के विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को करबद्ध निवेदन करने आया हूं कि चुनाव शुरू होने वाला है, दीपावली के बाद चुनाव तेजी पकड़ेगा, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी और इसके सिद्धांतों के प्रति अपना समर्पण दिखाते हुए चुनावी अभियान में पूरी ताकत के साथ जुटे और विजय का वर्णन करे और उत्तर प्रदेश की जनता को भी बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर विनती करने आया हूँ। मोदी जी को एक और मौका दे दीजिए, योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बना दीजिए। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। तीनों उप मुख्यमंत्री, बता दें कि बीते दिनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान से अटकलें लगाई जा रही थी कि यूपी में बीजेपी का अगला सीएम कैंडिडेट योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे। हालांकि लखनऊ पहुंचे अमित शाह ने इन अटकलों को विराम दे दिया है। उन्होंने साफ किया है कि अगले विधानसभा में बीजेपी जीती तो सीएम योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। यूपी में बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत करने आए अमित शाह ने कहा कि यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 300 पार करा दीजिए। उन्होंने कहा कि यूपी की अर्थव्यवस्था पिछली सरकार में 90 नंबर पर थी, इस सरकार में वे दूसरे नंबर पर आ गई है। इस बार बीजेपी की सरकार आने पर यूपी की देश का नंबर वन राज्य बन जाएगा, इस तरीके की बात अमित शाह ने कही है।
गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से 11 महीने पहले लगाए गए किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए लगाई गई बैरिगेटिंग और कंक्रीट दीवार को अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हटाया जा रहा है। अब गाजीपुर यूपी गेट का दिल्ली गाजियाबाद हाईवे खोलने की कवायद शुरू कर दी गई। सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए। मौके पर किसान भी डटे रहे और दिल्ली के उच्च अधिकारी भी मौका का मुआयना और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। 11 महीने से लगातार गाजीपुर यूपी गेट पर किसानों का धरना प्रदर्शन 3 कृषि कानून के विरोध में चल रहा है। इसमें आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद जहां एक हफ्ते पहले ही राकेश टिकेट के द्वारा नीचे सर्विस रोड को खोल दिया गया था, वहीं आज दिल्ली पुलिस बैरिकेटिंग को हटाने के लिए यहां पर आ चुकी है। दिल्ली में दिल्ली के सभी पुलिस महकमे के सभी अधिकारी और बहुत सारी टुकड़ियां अलग अलग आरपीएफ के जवान जो है यहां मौके पर मौजूद हैं, जो लगातार यहां पर ये सामान उठा रहे हैं और उठाने के बाद यहां से इस रास्ते को खोला जाएगा। लगभग 11 महीने से ये रास्ता बंद पड़ा था जिसपे कंक्रीट की दीवारें बना दी गई थी। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँ, कैमरा पर्सन दिखाए, ये कंक्रीट की दीवारें हैं जो आज तोड़ी जा रही हैं। ये टूटने के बाद यहाँ से ये रास्ते को खोला जाएगा और कहीं ना कहीं सामान तैयारी कर दी गई है। 3-4 क्रेनें भी आई हुई है। हमारे साथ यहाँ पर जो 11 महीने से किसान आंदोलन में बैठे हुए किसान, ये हमारे साथ मौजूद है, जो यहाँ पर मौके बने हुए हैं। ये आज सब कुछ हट रहा है, क्या लगता है दिल्ली जाएंगे? दिल्ली जाने को कौन मना कर रहा? दिल्ली तो हम ही 11 महीने से बैठे हैं, सबसे पहले कौन जाएगा? और ये जब से बंद था यहाँ, इसलिए आपका रास्ता रोक देगा, जाएगी पब्लिक को परेशानी है, लोगों को जाम में दिक्कत है, तो दिल्ली जाने में क्या दिक्कत है? दिल्ली तो सबकी है, दिल्ली जाएंगे। राकेश टिकट कह चुके हैं कि अगर दिल्ली ने हमारा रास्ता रोका था, दिल्ली पुलिस ने, अब खुल जाएगा तो हम दिल्ली कूच करेंगे, पार्लियामेंट जाएंगे या जो 11 दौर की वार्ता जिन्होंने रद्द कराई है उनके पास जाएंगे, क्या ऐसा है? देखिए, धान जिस किसान का नहीं बिक रहा वो दिल्ली जाएगा। दिल्ली संसद से ये बिल पास हुए और प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि कोई भी अपना धान कहीं भी बेच ले, तो हमारा जब यहाँ नहीं बिकेगा एमएसपी पे, तो प्रधानमंत्री का घर है उसके बाहर, संसद के बाहर, वहां बिकेगा। यानी कि दिल्ली कूच करने की तैयारी है अगर रास्ता खुलता है तो? नहीं, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, बाकी अगर बात नहीं मानेगी सरकार तो दिल्ली जाने में कोई दिक्कत थोड़ी है, दिल्ली तो सबकी है। देखिए, बात यहाँ यही आती है कि जब किसानों को दिल्ली जाने से रोका गया था तो इन कंक्रीट की दीवारों को और बैरिकेडिंग करी गई थी, लेकिन अब जब ये बैरिकेडिंग हट रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो किसानों के लिए कहीं ना कहीं रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है और किसान कहीं ना कहीं अब पार्लियामेंट या संसद भवन का कूच कर सकते हैं और वहां धरने पर बैठ सकते हैं। अब बात यही आती है कि अब सरकार को ये सोचने वाली बात होगी कि बैरिकेडिंग हटने के बाद इस क्या दौर की वार्ता किसानों के साथ की जाती है और इसका क्या निस्तारण किया जाता है। बरेली जनता टीवी के साथ हैदर अली संवाददाता, गाजियाबाद। एमपी एमएलए की कोर्ट ने सपा सांसद आजम खान के अधिवक्ताओं को एक और झटका दिया है। कोर्ट ने बचाव पक्ष की ओर से गवाह से जिरह के लिए और वक्त मांगने का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए जिरह का अवसर खत्म कर दिया और दूसरे गवाहों को तलब कर दिया। आपको बता दें कि सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और पैन कार्ड के मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। इन तीनों मामलों में चार्ज फ्रेम किए जा चुके हैं और साथ ही गवाही शुरू हो चुकी है। सपा सांसद के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर इन केसों को मजिस्ट्रेट ट्रायल के लिए इसकी सुनवाई मजिस्ट्रेट कोर्ट में कराने की मांग करी थी और इस बार कोर्ट ने गत दिवस बचाव पक्ष का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए इन मामलों की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में करने का आदेश दिया था। आकर्षक पेंटिंग और उम्दा किस्म की कलाकारी के चलते चुनार की मूर्ति देश के साथ ही पड़ोसी देश में भी काफी लोकप्रिय है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी आकर्षक मूर्तियों की मांग का पूरा करने के लिए कारीगरों को अथक मेहनत करनी पड़ती है। 11 महीने कठिन मेहनत कर मूर्तियों को भव्य स्वरूप देने के कारीगर लगे रहते हैं। दीपावली पर्व की तैयारी के लिए ये लगातार मेहनत करते हैं। आखिर ये मूर्तियों को किस तरीके के सजाते और संवारते हैं और कैसे बाजार में लाते हैं, आप इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में चुनार इलाके में बनने वाली गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों की मांग देशी नहीं बल्कि विदेशों में भी है। चुनार में बनी मूर्तियों की मांग को पूरा करने के लिए 11 महीनों से तैयारी की जाती है और सभी मूर्ति एक महीने में ही बिक जाती है। चुनार में बनी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ हजारों परिवारों के लिए जीविकोपार्जन का माध्यम बना है। यहाँ की मूर्तियाँ क्या है कि पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई जाती हैं और कुछ विदेशों में भी इनके बहुत डिमांडेड होती है, तो
तो यहाँ की मुर्गी की क्वालिटी बहुत जबरदस्त होती है। ये कलकत्ता से और कानपुर से मिला के ये यहाँ की क्वालिटी कुछ अलग ही क्वालिटी मिलती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मार्केट करने यहाँ आते हैं, हर साल आते हैं। और जगह की मार्केट की अपेक्षा यहाँ के कलर और नेचुरल कलर, नेचुरल मिट्टी से बनी हुई होती है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा इसका प्रभाव पड़ता है। अपने हस्तकला और हुनर के बल पर कलाकारों की बनाई गई मूर्तियों की चर्चा देश ही नहीं बल्कि विदेशों की धरती में भी है। दीपावली के पहले से ही लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों की खरीदारी शुरू हो जाती है। विभिन्न प्रदेशों के साथ ही नेपाल तक यहाँ की मूर्तियों की मांग है, जिसको देखते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी व्यापारी कारोबार करते आ रहे हैं। सर, मैं जो है कौशाम्बी जिले से आया हुआ हूँ और लगातार मैं 15 साल से आ रहा हूँ, मूर्ति का काम करता हूँ सर। मूर्ति जो है और यहाँ की मूर्ति बहुत अच्छी मूर्ति होती है, जो डिजाइनिंग और शाइनिंग जहाँ यहाँ पे मिल जाती है वो मूर्ति डिजाइनिंग कहीं पे जल्दी नहीं मिल पाती है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, हमेशा लगातार आ रहे हैं। सावधानी से मूर्तियों को आकार देने के बाद उसमें रंग भरने का काम किया जाता है। बदलते दौर में मिट्टी की जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस से आकर्षक मूर्तियां बनाई जा रही है। गणेश लक्ष्मी की मूर्ति के साथ ही तमाम तरह की आकर्षक पार्ट्स बनाया जाता है। मूर्तियों की क्वालिटी को देखते हुए दुकानदार दूर दूर से आते हैं। ऐसा है कि यह दीपावली के समय लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, उसमें जो है जो शास्त्रोक्त है वह लाल मिट्टी की मूर्ति होनी चाहिए, लेकिन चूंकि यह बहुत बल्क मात्रा में नहीं बनता और पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ बढ़े, इसलिए इसका सब्स्टिट्यूट हम लोग ये प्लास्टर की मूर्ति जो है बनाकर देते हैं, या इसको आप सफेद छुई मिट्टी बोल सकते हैं, इसको देते हैं। और यह जो है भारत वर्ष भर में जितने हिंदू हैं या भारत के बाहर वह इसको ले जाते हैं और दीपावली पर इसका पूजन करते हैं। हमारे यहाँ बिहार से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, झारखंड से आते हैं और नेपाल के कुछ लोग आ जाते हैं और कुछ बंगाल के आ जाते हैं, महाराष्ट्र में जो है कुछ आ जाते हैं, ये इतने जगह सप्लाई होती है। चुनार की मूर्तियों की मांग बढ़ने से स्थानीय व्यापारी गदगद हैं। बढ़ती आबादी के बीच मांगे बढ़ने के साथ क्षेत्र के निर्माण यूनिट भी बढ़ रही है। देश के विभिन्न प्रांतों के साथ ही पड़ोसी देश नेपाल में भी चुनार की मूर्तियों की अच्छी मांग होने से आपूर्ति की जा रही है। वहीं इस फैशन के दौर में चुनार की मूर्तियों की मांग बढ़ने से व्यापारी में खुशी का माहौल है। जनता टीवी न्यूज डेस्क से अमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। पिछले 1.5 साल से ही कोविड-19 के चलते मिट्टी का कारोबार करने वाले या फिर मिट्टी से मूर्ति बनाने वाले गरीब तबका मुसीबतों का सामना कर रहा है। इस बार दीपोत्सव पर इस वर्ग को भी उम्मीद है कि उनके घरों में भी प्रकाश होगा। पीएम नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने की अपील देश से की है, जिसके बाद बाजार में स्थानीय मिट्टी का काम करने वालों को बढ़ावा मिलने की आस है। रिपोर्ट देखिए। पिछले 1.5 साल से कोरोना के चलते मिट्टी का कारोबार करने वाले या मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले गरीब तबके के लोग मुसीबतों का सामना कर रहे थे। इस बार दीपोत्सव पर इस वर्ग को भी उम्मीद है कि उनके घरों में भी प्रकाश होगा। पिछले कुछ वर्षों से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने देसी यानी कि लोकल फॉर वोकल जो नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, निचले तबके को उठाने के लिए एक अभियान शुरू किया था, जिसमें दीपकों को और जो कुल्हड़ है, मिट्टी से बनने वाली मूर्तियां हैं और अन्य सामग्री है, उसके कारण पूरे देश में दीपावली पर उन मजदूर और उन गरीब लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया था। चाक तेजी से घूम रहा है, दिन रात प्रजापति समाज के लोग मिट्टी के दीपक बनाने में जुटे हैं। यूं तो दीपोत्सव के चलते हर साल प्रजापति समाज के लोग दीपक बनाते हैं, लेकिन इस बार मांग बड़ी है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में इस बार योगी सरकार भव्य दीपावली मनाने की तैयारी में है। अयोध्या की दीपावली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। लाखों दीपक अयोध्या में इस बार जलाने की तैयारी है। अयोध्या में दीपक की मांग बढ़ने से पूरे प्रदेश में प्रजापति समाज के लोग तेजी के साथ दीपक बना रहे हैं।
आगरा से भी काफी संख्या में दीपक अयोध्या जाने वाले हैं। प्रजापति समाज के लोग रात दिन एक कर मिट्टी से छोटे बड़े दीपक बनाने में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही बाजारों में मिट्टी की मूर्तियां बनाने वालों को भी इस दीपावली पर उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। वही हम आगरा में हैं। पिछले दो वर्षों से कोविड 19 के कारण इनका कारोबार लगभग ठप हो गया था, लेकिन आप देखें यहाँ पर कुछ हमारे साथ साथी हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरी शंकर है। तो दिवाली पर दो साल बाद कुछ उम्मीद जगी है? हाँ, अब तो सही चल रहा है मामला। कैसा कारोबार आ रहा है? कारोबार खूब आ रहा है, चाय की कुटिया भी खूब बिक रही है। तो जैसे लालू यादव ने चलाया था ऐसे ही माहौल चल रहा है। प्लास्टिक का आइटम बंद होना चाहिए। और दीपक आ रहे हैं दीपावली पर, योगी सरकार ने सारे ऑर्डर किए हैं, आपके यहाँ पर कुछ ऑर्डर आए हैं? हाँ, खूब आ रहे हैं सब। खूब ऑर्डर आ रहे हैं? हाँ, खूब आ रहे हैं। और दो साल में राहत, कुछ दो साल के बाद कुछ राहत मिली है? हाँ, तो ये है कि अपने खूब धंधा चल रहा है। अपना धंधा चल रहा है। और दो साल में कैसा आप लोगों का रहा? पहला तो हम बहुत हालत खराब थी, कर्जा भी वगैरह खाते रहे बैठे। अब तो भगवान खूब दे रहा है। लोकल फॉर वोकल के तहत ऐसे गरीबों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आगे बढ़ाने का काम किया, जिसके चलते जो गरीब तबका है पिछले दो वर्षों से बहुत बमुश्किल अपना गुजारा बसर कर रहा था, लेकिन आज दीपावली के इस पावन पर्व पर उनके घरों में रोशनी जगवाने लगी है। अब देखना होगा कि यही जो सफर शुरू किया है योगी आदित्यनाथ सरकार ने और पीएम मोदी ने, क्या आगे भी चलेगा, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि समय समय पर बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं और लोकल फॉर वोकल को एक किनारे कर दिया जाता है, और चीन जैसे जो आइटम आते हैं वहां के, तो उनकी चकाचौंध में हमारे देसी उत्पाद कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं। लेकिन एक रोशनी दिखाई है मोदी ने और योगी आदित्यनाथ ने, उसके बाद एक बार फिर इनके चेहरे पर चमक खिली है। आगरा से प्रदीप रावत, जनता टीवी। राजधानी देहरादून में हुनर हाट का आयोजन किया गया। अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से देशभर में हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस दौरान केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर हाट के बारे में जानकारी दी। देशभर में 6 लाख के करीब शिल्पकार काश्तकारों के सामान हुनर हाट में उपलब्ध है, जिसमें 30 राज्यों के काश्तकारों को देशभर में हुनर हाट के माध्यम से एक मंच मिला। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के शिल्पकारों को भी केंद्रीय मंत्री से विभिन्न योजनाओं और हुनर हाट में शामिल करने का अनुरोध किया है। आज सभी का, आप सबकी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से, माननीय मंत्री जी का और हमारे आए हुए सभी हुनरमंदों का, सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ कि वो लगातार यहाँ पर बने रहेंगे, अपना प्रस्तुतिकरण है वो दे रहे हैं। इसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, उसके माध्यम से भी लोगों में एक नई चेतना और इनके प्रति एक रुझान पैदा होगा। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, माननीय मंत्री जी का, उनके पूरे विभाग के लोगों का, आए हुए सभी का अपनी तरफ से यहाँ पर स्वागत। कोरोना महामारी के कारण इस साल लगभग 4 माह तक केदारनाथ धाम की यात्रा बंद रही। मई महीने में केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए थे, लेकिन कोरोना के कारण यात्रा खुलने की अनुमति नहीं मिली। बाद में 18 सितंबर से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई। वहीं प्रत्येक दिन 15,000 के आसपास भक्त केदार बाबा के दर्शन करने पहुंचे। 1.5 माह के समय में 2 लाख से अधिक भक्तों ने केदार के दर्शन का पुण्य अर्जित किया। केदारनाथ आने वाले भक्तों की संख्या में वृद्धि होने से केदारनाथ तीर्थ पुरोहित देवस्थान बोर्ड होटल लॉज घोड़ा खच्चर डंडी कंडी हेली सिवाय सहित अन्य लोगों को रोजगार भी मिला है। देश में चल रहे कोविड अभियान के चलते राजधानी देहरादून के कांग्रेस भवन में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने फर्स्ट कोविड 19 वैक्सीन लगवाई। गोदियाल ने कहा कि आज सभी लोगों को टीकाकरण करना चाहिए। साथ ही गोदियाल ने स्वास्थ्य विभाग का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने जिस तरीके से कांग्रेस भवन में टीम को भेजा है, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। अभियान कांग्रेस के इस प्रदेश कार्यालय में भी हो, इसी मकसद से यहाँ पर ये आयोजन किया गया है। और मैंने आज स्वयं
क्योंकि मुझे बीच में कोविड हो गया था और कोविड के बाद कुछ समय तक ये टीका नहीं दिया जा सकता, इसलिए मेरा आज पहला ये टीका मैंने लगाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी टीम को और मेरा सभी से निवेदन है कि जो भी टीकाकरण अभियान के तहत जिनको भी टीके लगाए जाने हैं पूरे देश में पूरे राज्य में। बाजपुर में धान खरीद को लेकर मिल रही शिकायतों के चलते एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने किसानों और राइस मिलर्स के साथ बैठक की। इस दौरान किसानों ने राइस मिलर्स पर बेवजह किसानों की धान की फसल में कमी दिखाकर धान खरीद से मना करने का आरोप लगाया। वहीं राइस मिलर्स ने सभी किसानों का धान खरीदे जाने की बात कही है। बीते दिनों भारी बारिश से कुमायूं मंडल का खासा नुकसान पहुंचा है, इससे रामनगर भी अछूता नहीं है। बीते दिनों हुई भारी बारिश से कॉर्बेट पार्क के लैंडस्केप और वन प्रभाग रामनगर के अंतर्गत बने रिसोर्ट में कोसी नदी का पानी घुस गया, जिससे कि सैलानी रिसोर्ट में ही फंस गए। ऐसे में तत्काल ट्रैक्टर और राफ्ट के जरिए फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहे जनता टीवी। नमस्कार।